विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश चीन को आमतौर पर चीन पीपल्स रिपब्लिक के नाम से भी जाना जाता है। चीन विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसने मात्र 30 सालों में चीन का काया पलट कर दिया। चीन के लोगों की मेहनत के दम पर आज चीन विश्व की दमदार अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। चीन जिस तेजी से अपने देश व देशवासियों का विकास कर रहा है, वो दिन दूर नहीं जब दिन की बादशाहत अमेरिका रूस की तरह पूरे विश्व पर होने लगेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशी और स्वागत है आप सभी का मेरी इस चैनल पर, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ दुनिया। दोस्तों चलिए जानते हैं आज हम चीन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य के बारे में। चीन शब्द का मूल किन राजवंश से निकला है? किन राजवंश के पहले सम्राट किन सी हुआंग थे। चीन की राजधानी बीजिंग है, लेकिन कालांतर में बीजिंग को दादू, यानजिंग और बीपिंग के नाम से जाना जाता था। समय के साथ इसके नाम में कई बदलाव हुए और अब ये बीजिंग के नाम से प्रसिद्ध है। इतिहासकारों के अनुसार चीनी सभ्यता लगभग 6000 ईसा पूर्व से चली आ रही है, तथा इतिहासकारों के अनुसार चीनी सभ्यता विश्व की गिनी चुनी पुरानी सभ्यताओं में से एक है। चीन में पढ़ी लिखी जाने वाली चीनी भाषा का इतिहास भी सदियों पुराना है। इतिहासकारों के अनुसार चीनी भाषा विश्व के सबसे पुरानी लिखित भाषाओं में से एक है। जुलाई 2012 तक चीन 1.3 अरब से अधिक लोगों के साथ दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। चीन 9,706,961 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। चीन एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है और चीन के सीमावर्ती देशों में अफगानिस्तान, भूटान, बर्मा, भारत, कजाकिस्तान, उत्तर कोरिया, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, तजिकिस्तान और वियतनाम है। दुनिया में हर 5 लोगों में से एक चीनी है। चीन की जनसंख्या अमरीकी की तुलना में 4 गुना अधिक है। दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत जो 29,028 फीट लंबा है, जिसका नाम भारत के पहले सर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। चीनी लोगों माउंट एवरेस्ट को माउंट एवरेस्ट कुआमोलंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है पृथ्वी की मातृ देवी। चीन के राष्ट्रीय ध्वज को 1949 में अपनाया गया था। ध्वज में लाल रंग क्रांति का प्रतीक है, बड़ा सितारा साम्यवाद का प्रतीक है और सभी छोटे सितारे चीनी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। चीन में बोले जाने वाली कई अलग अलग भाषाएं हैं, जिनमें मंदरिन, बू, यू, मिनवेई, जियांग, मिनान, हक्का और गरन शामिल हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है, जबकि संघाई सबसे लोकप्रिय शहर है। अन्य प्रमुख शहर चुंगचिंग, गुआंगझो और शेनजेन हैं। चीन की जनसंख्या की 47% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। हर साल चीन में कई प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जिस कारण चीन में जान माल की काफी हानि होती है। चीन हर साल टाइफूंस जैसे तूफानों का सामना करता है। ये देश बाढ़, भूकंप, सुनामी और सूखे से भी ग्रस्त देशों की श्रेणी में आता है। चीन की यांग्त्ज़े नहर दुनिया की चौथी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 3,602 मील तक पहुंचती है। इसके अलावा चीन की येलो नदी विश्व की छठी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 2,900 मील। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन ने 2003 में सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में इंसान को भेजने का कीर्तिमान स्थापित किया था। चीन की महान दीवार दुनिया में सबसे बड़ी मानव निर्मित संरचना है, जो 8,850 किलोमीटर लंबी है। विश्व में लोकप्रिय पांडा चीन में पाए जाते हैं, जो यांग्त्ज़े नहर के पास रहते हैं। 2008 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी चीन ने की थी और बीजिंग में हुए ये ओलंपिक खेल इतिहास में सबसे महंगे थे। इन खेलों में लगभग 40 अरब डॉलर खर्च हुआ था। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के सम्मान में 1 अक्टूबर चीन द्वारा राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कई इतिहासकारों का मानना है कि फुटबॉल 1000 ईसा पूर्व के आसपास चीन में शुरू हुआ था। चीन में एक बोना थीम पार्क है, जिसे लिटिल लोगों के राज्य के नाम से जाना जाता है।
चीन में स्वादिष्ट भोजन के नाम पर हर साल 4 लाख बिल्लियां खाई जाती है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, चीन से विदेश पढ़ने गए 10 में से 7 छात्र वापस चीन लौटना पसंद नहीं करते। चीन में दूसरे देशों की सोशल साइट चलाने पर पाबंदी है। यहाँ तक कि चीन ने 2009 से फेसबुक, ट्विटर जैसी विदेशी सोशल साइट चलाना गैरकानूनी है। विश्व में सुअर की कुल आबादी के 50% सुअर चाइना में रहते हैं। चीन के लोग अधिक मात्रा में धूम्रपान करते हैं, जहाँ हर सेकंड में लगभग 5000 सिगरेट की खपत है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार विश्व में तीर कमान का सर्वप्रथम प्रयोग चीन में हुआ था। चीनी लोग अच्छी फिटनेस पाने के लिए ध्यान से ज्यादा सोना पसंद करते हैं। चीन में सर्वाधिक आत्महत्या बेरोजगारी के कारण होती है। चाइना में उद्योग धंधों की भरमार है, जिसके कारण विश्व का 29% वायु प्रदूषण चाइना के द्वारा होता है। 2011 से 2013 के बीच चाइना में सर्वाधिक सीमेंट का प्रयोग किया गया था। इस सीमेंट का आकलन लगाना भी नामुमकिन है। ऐसा माना जाता है जितना सीमेंट अमेरिका ने पूरी 20वीं सदी में उपयोग किया, उससे कहीं ज्यादा चाइना ने मात्र 2 सालों में सीमेंट का उपयोग कर डाला। चीन के 99% लोगों में इंटरनेट चलाने की आदत पाई जाती है। चीन में इस आदत से निपटने के लिए मेडिकल चिकित्सा और कैंप लगाया जाता है। चीन के लोगों को चिड़िया के घोंसले से बनाया सूप पीना काफी पसंद है। आपको जानकर हैरानी होगी, चीन के लोग 1 किलो घोंसला खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपए तक चुकाते हैं। चीन के युवाओं में एप्पल के गैजेट खरीदने को लेकर काफी दीवानगी है। यहाँ के युवा एप्पल के प्रोडक्ट खरीदने के लिए अपनी किडनी तक बेच देते हैं। चीनी गणराज्य की स्थापना 1 जनवरी 1912 को हुई और इस स्थापना के साथ ही चीन में सदियों से चले आ रहे किंग वंश के शासन का अंत हुआ। विश्व में चीन के शहर बीजिंग को सर्वाधिक वायु प्रदूषण की श्रेणी में रखा है। इस शहर में एक दिन रहना 21 सिगरेट पीने के बराबर है। चीन में लगभग 3 करोड़ की आबादी 5 फीट बाई 5 फीट के घरों में रहती है, जिन्हें गुफा घर कहा जाता है। चाइना के कानून के तहत अमीर लोग गरीब लोगों को अपनी जगह जेल भेज सकते हैं। चीन का यांगसुहो शहर विश्व में सबसे सुंदर शहर माना जाता है। एक तथ्य ये भी है कि चीन की जेलों में पत्रकार और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों की भरमार है। विश्व में सर्वाधिक सेल फोनों की खपत चाइना में होती है। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका में जितनी लोगों की संख्या है, उससे कहीं ज्यादा चाइना में सेल फोन है। चीन के लोगों का पसंदीदा शौक रेलवे टिकट, मूवी टिकट इकट्ठा करना है। चीन के संघाई शहर में अगर आपने लाल रंग की कार खरीदी तो आपको जेल हो सकती है। इस शहर में लाल रंग की कार रखना गैर कानूनी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अमेरिका से ज्यादा इंग्लिश बोलने वाले लोगों की संख्या चीन में सर्वाधिक है। दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल चाइना में बनाया गया है। चीन के लोगों द्वारा ही नूडल और आइसक्रीम जैसे पकवानों की खोज हुई थी। तो दोस्तों ये था कुछ बातें चाइना के बारे में। आशा करती हूँ आज के वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में और एक इतिहास की खोज को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।